हे हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज से। हम लोग सीखेंगे सीएसएस और सीएसएस 3। ओके, तो पहले हम लोग सारे चीजें सीएसएस वाली जो है वो सीखेंगे, लेकिन सीएसएस 3 में भी कुछ न्यू प्रॉपर्टीज आई हुई है। जो नई प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, लेकिन और भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जैसे एनिमेशन वगैरह, तो वो सारी चीजें हैं, तो उसको मैंने अलग से रखा हुआ है। तो उसको मैंने एक नाम दिया है सिंपल सा, CSS एडवांस करके, और वो मैं चाहता हूँ कि एक अलग सी वीडियो सीरीज बने और उस वीडियो सीरीज में हम उसको देखेंगे। तो वो सारे एनिमेशन से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने उसको अलग ही रखा है। लेकिन इस वीडियो सीरीज में हम लोग CSS भी देखेंगे और कुछ CSS 3 की जो नई प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे, सो नॉट टू वरी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपने मेरा जो HTML5 की जो वीडियो सीरीज है वो अगर आपने नहीं देखी है, तो मैं प्लीज आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वहां पर जाइए, HTML5 की जो वीडियो सीरीज है वो देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर आइएगा। ओके सॉरी, तो चलिए शुरू करते हैं CSS। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज CSS। अभी CSS का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल सा कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, इसके बाद CSS क्यों यूज किया जाता है, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी HTML सीखा है, जो भी वेब स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, तो वो आपको पता है कि ब्राउजर में वो कैसे दिखता है, तो वो गंदा सा कुछ दिखता है, तो उसको स्टाइल करने के लिए सिंपली हम यूज करते हैं CSS। इससे ज्यादा और बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो सिंपली कहना है कि भैया HTML में जो भी एलिमेंट है या जो भी टैग्स है उनको हमें डिजाइन करना पड़ता है या स्टाइल करना पड़ता है, इसीलिए हम यूज करते हैं CSS। चलिए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSS एंड CSS 3। तो CSS और CSS 3 में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। CSS 3 जो है कुछ एडवांस या फिर कह सकते हो कि कुछ नई प्रॉपर्टीज आई हुई है और कुछ एनिमेशन वगैरह सारी चीजें हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। ओके, तो चलिए सीधा चलते हैं अब CSS सिंटैक्स पे। तो ये दिखाने के लिए हम लोग सीधा प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल करने के लिए पहली चीज तो मुझे यहाँ पर देखिए मैंने क्या करके रखा है, यहाँ पर मैं आपको फोल्डर में दिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो देखिए ये हमारा CSS का फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर हमें जाना है, यहाँ पर मैंने CSS फाइल्स करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर जाके हम लोग सारी CSS की फाइल्स बनाएंगे। मतलब जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक्स समझाते जाऊंगा, देखिए ये सारे मेरे CSS के टॉपिक्स होने वाले हैं, तो ये जैसे जैसे एक एक टॉपिक होगा तो वो हिसाब से यहाँ पर एक एक फाइल बढ़ते जाएगी CSS की, और उस टॉपिक में उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज तो मैं एक CSS की फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि पहला जो हमारा टॉपिक है, और आपके पहले टॉपिक में देखिए मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट छः, ये जो छः टॉपिक्स है यहाँ पर कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, तो इसीलिए मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनाना चाहता हूँ पहले। तो फाइल कैसे बनाते हैं, देखिए सिंपली वही सेम तरीका है, यहाँ पर .txt है। हम लोग पहले HTML के लिए क्या करते थे, .html करते थे, अभी हमें करना है क्या, main.css। मैं मेरे CSS फाइल का नाम जो है वो मेन देना चाहता हूँ, चलिए मेन नहीं, अब एक काम करते हैं, हम लोग पहले हमारा जो पहला वीडियो है तो उसी का नाम दे देते। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर CSS-BASIC-S, तो मैंने नाम दिया 1-CSS-Basics। ओके, तो ये मेरे CSS फाइल का नाम है, और .css देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो जैसे मैं यस करूंगा तो ये CSS फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे इस फोल्डर में वो फाइल मिल जाएगी, ये मेरी CSS वाली फाइल, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके लिए मुझे एक HTML का पेज भी लगेगा, इसीलिए मैं अगेन इसके अंदर मैं एक HTML का पेज बना लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन मेरा HTML ओपन है, तो उसी तरह यहाँ पर मैं एक और HTML का पेज बनाऊंगा, मैं नाम दे रहा हूँ CSS। ओके, इसको भी स्मॉल ही लिखते हैं, CSS-BASICS.HTML। ओके, CSS-Basics.HTML, तो ये भी हमारा काम हो चुका है। तो जैसे मैं देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे HTML के पेज पे मैं आता हूँ, और यहाँ पर हमें पता है एक शॉर्टकट यूज करना है जिससे हमें HTML फाइल का स्ट्रक्चर मिल जाता है। ओके, स्ट्रक्चर मिलने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली उसका टाइटल चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बेसिक्स, CSS का बेसिक्स। तो इस वीडियो में सारी चीजें हम लोग CSS की बेसिक्स देखेंगे। ओके, इसीलिए मैंने एक HTML बना लिया है। अब दूसरी चीज मुझे करनी क्या है, देखिए पहले तो यहाँ पर मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ, देखिए हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे। ओके, तो ये दिखाने के लिए मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि CSS का सिंटैक्स क्या है, कैसे है। तो उसके पहले हम एक छोटा सा HTML का मार्कअप लिख लेते हैं। तो डिव तो आपको पता चल गया है,
और आगे अगले वीडियो में हम लोग सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में वो क्या चीजें होती है। तो अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिव हमें बनाना आता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखिए, शॉर्टकट आपको एक बताता हूँ वीएस कोड का। अगर आपको लिखना है डिव क्लास हेडर, तो सिंपली यहाँ पर डॉट लगाना है, हेडर लिखना है और टैब प्रेस करना है। इस तरह आप यहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हो और ये शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सिंपली कुछ इस तरह है, मुझे ये डिव बनाने का था, मैंने बना लिया। इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक H1 आ जाए और मैं बोलता हूँ दिस दिस इज माई CSS, या फिर चलिए माई हेडर हेडिंग। ओके, इसके बाद मैं चाहता हूँ चलिए एक इमेज, इमेज नहीं, मैं और एक हेडिंग लेना चाहता हूँ H4 का, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ दिस इज स्मॉल हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं इमेज लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेजेस, मेरे पास फोल्डर के अंदर है और यही इमेज ले रहा हूँ मैं, और इसको विड्थ जो है वो अराउंड 150 दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ये हमेशा क्लोज करना है आपको। ओके, इसके बाद मुझे करना है मान लो एक पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ ले रहा हूँ मैं लॉरम इप्सम, और लॉरम इप्सम के बाद पैराग्राफ के बाद मैं एक एंकर डालना चाहता हूँ जो है रीड मोर। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद देखिए इसको ओपन करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो आपको ये दिखाई देगा आपके पेज पे कुछ इस तरह, ये आपको ऑलरेडी पता है जब हम लोग HTML डालते हैं तो कुछ ऐसे ही दिखता है, करेक्ट। तो हम ये सारी जो चीजें हैं इन सभी को आज CSS अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए फिर से CSS सिंटेक्स क्या है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। अगर आपको H1 को CSS अप्लाई करनी है तो सिंपली उस टैग का नाम लिखना है, दो कर्ली ब्रैकेट्स लिखने हैं और उसके अंदर कुछ ये चीज लिखनी है। तो चलिए देखते हैं सीधा प्रैक्टिकल। तो मान लो देखिए हमारे पास अभी एक H1 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको H1 दिखाई दे रहा है। तो मैं सिंपली जाऊंगा मेरे इस CSS के फाइल में। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ लिखोगे और स्टाइल करोगे इस H1 को, मुझे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस H1 को जो है मुझे स्टाइलिंग करनी है, इसीलिए मैं इसके अंदर जाके लिखूंगा। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब आप यहाँ पर उसको अटैच करोगे, किसको, इस CSS फाइल को, css basics.cs वाली फाइल को। तो यहाँ पर एक टैग आता है लिंक नाम से, इसमें भी इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली अभी देखिए सिर्फ यहाँ पर सिंटैक्स क्या है, सिंपली आपको लिखना है लिंक इस तरह, REL लिखना है। REL का मीनिंग होता है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप उसकी क्या है, स्टाइल शीट है। और यहाँ पर एक HREF है जो हम लोग एंकर के साथ यूज करते थे, तो यहाँ पर भी हम HREF यूज करेंगे। और मैं सिंपली पाथ दे रहा हूँ css-files, मेरा फोल्डर का नाम है और ये फाइल। ओके, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जो फोल्डर है मेरा CSS फाइल नाम से, और इसके अंदर मेरी CSS की फाइल है, बस वही मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है। और ये जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर स्लैश, क्लियर हो गया। अब मैं सेव करता हूँ। अब आपने किया क्या है, आपने जो फाइल बनाई थी CSS वाली, css basics.css, वो फाइल HTML में सक्सेसफुली अटैच हो चुकी है। अब जब आप मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि H1 को मुझे स्टाइलिंग करनी है, अब आप यहाँ पर जाके मैं सिंपली लिख सकता हूँ H1, जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए H1 लिखना है और ये कुछ है आगे, वो अभी समझाता हूँ मैं। तो सिंपली देखिए मुझे H1 को अगर स्टाइलिंग करनी है, यहाँ पर आके दो कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं। ओके, कर्ली ब्रैकेट्स देखिए कुछ इस तरह दिखते हैं, और इसके अंदर मुझे लिखना है, मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा H1 का जो यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इसको कलर अप्लाई हो जाए, यानी टेक्स्ट का कलर। अभी टेक्स्ट कलर क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक दिख रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर चलो रेड कलर अप्लाई हो जाए। तो मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर कलर, और मैं आगे एक कोलन दे रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ RED रेड, और इसके आगे मैं एक सेमी कोलन दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब जैसे आप सेव करोगे यहाँ पर देखिए उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया मैंने क्या कहा कि मुझे H1 को स्टाइलिंग करनी है और कलर रेड करना है। तो सिंपल यहाँ पर देखिए H1 का सॉरी CSS का जो सिंटैक्स होता है, अगर आपने यहाँ पर H1 डाला है टैग, तो यहाँ पर भी आपको सिंपली लिखना है H1।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, इसके बाद आपको लिखने हैं दो कर्ली ब्रैकेट्स, और दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हमेशा आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डालनी है। सीएसएस की प्रॉपर्टी है कलर प्रॉपर्टी, जो काम करती है टेक्स्ट को कलर देने का। तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सीएसएस में, वो आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो में धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके देखेंगे, नॉट टू वरी। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सिंटैक्स सिखा रहा हूँ कि सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा ये H1 लिखा है आपने, तो उसके बाद हमेशा आपको दो कर्ली ब्रैकेट्स डालने हैं, और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी है, और उसके बाद देखिए हमेशा एक कोलन देना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कलर कुछ भी हो सकता है, रेड, ऑरेंज, ब्लैक और कई सारी चीजें हैं, मैं आगे बताऊंगा अभी। और इस वैल्यू के बाद सेमी कोलन देना है, बस ये सिंटैक्स है। अब एक ध्यान में दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए H1 यहाँ पर क्या कहलाता है, एक एलिमेंट या फिर टैग। लेकिन CSS में अगर आपने आपको किसी ने पूछा कि H1 CSS में इस H1 को क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं सिलेक्टर। हमेशा ध्यान में रखिए, CSS में अगर कोई पूछता है तो ये क्या बन जाता है, एक सिलेक्टर, और यहाँ पर कोई पूछता है तो ये क्या बन जाता है, एक एलिमेंट या फिर टैग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस सिंपल सा सिंटैक्स है CSS का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर भी मुझे चाहिए, इस वाले टेक्स्ट को। तो इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देना है, तो सिंपली इसके नीचे आके दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है जो सीएसएस में बैकग्राउंड कलर देने का काम करती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड हाइफिन कलर, ये सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। ओके, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि येलो मुझे चाहिए, तो मैं बोलूंगा येलो, ठीक है येलो। तो ये सेव करता हूँ, और देखिए यहाँ पर आपका बैकग्राउंड दिखाई देगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, तो इस कुछ इस तरह हम लोग स्टाइलिंग करते हैं सीएसएस में HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। ओके गाइस, बस यही एक बेसिक सिंटैक्स है सीएसएस का। और देखिए इसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा H1 अगर डाला है आपने तो उसको सिलेक्टर कहते हैं। यहाँ पर देखिए कलर आपने डाला है तो उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, सीएसएस की प्रॉपर्टी, और ब्लू डाला है तो उसको सीएसएस की वैल्यू कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक है सीएसएस में, ठीक है। तो ऐसे कई सारी आपके यहाँ पर देखिए टैग्स है, अगर H4 है तो H4 को भी आपको कुछ अप्लाई करना है। तो सिंपली इसके नीचे जाना है, देखिए ये जो आपका ब्रैकेट खत्म होता है, इसके नीचे जाके आप कहीं पर भी H4 लिखना है। वापस से सेम रूल अप्लाई होता है इसको भी, कर्ली ब्रैकेट्स। और इसको भी मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, कलर जो चाहिए वो ऑरेंज चाहिए, मतलब टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंपली ऑरेंज, सेव करता हूँ, और देखिए ये इसका कलर ऑरेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी एलिमेंट में HTML के हम यहाँ से स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको पता होनी चाहिए तो क्या कि CSS की प्रॉपर्टीज, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है CSS के अंदर, वो सारी हमें पता होनी चाहिए, तभी जाकर हम कुछ डिजाइन बना सकते हैं और HTML का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, और सही प्रॉपर अलाइनमेंट वगैरह सारी चीजें हम लोग सेट कर सकते हैं CSS से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद, देखिए इमेज है, तो मैं कहता हूँ इमेज के ऊपर जो है यहाँ पर मुझे एक बॉर्डर चाहिए चारों साइड से। तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी आती है, लेकिन यहाँ पर देखिए टैग का नाम क्या है, IMG। तो आपको सिंपली यहाँ पर इसके नीचे जाना है और लिख देना है IMG कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं बॉर्डर के लिखता हूँ बॉर्डर, और यहाँ पर देखिए 1 पिक्सल लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ सॉलिड। ओके, और यहाँ पर मैं मान लो चलो ब्लैक लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बॉर्डर हम लोग सारे चीजें बॉर्डर की वीडियो में देखेंगे, उसमें और कई सारी प्रॉपर्टीज है बॉर्डर से रिलेटेड। इसीलिए तो अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ सिंटैक्स समझ रहे हैं और एलिमेंट को हम लोग स्टाइल कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सिंपली इमेज मैंने लिखा, इस इमेज को मैंने कहा कि भैया मुझे बॉर्डर चाहिए, तो मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आपको इस चारों साइड से एक बॉर्डर दिखाई देगा, अगर आपको बॉर्डर ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ पर 15 पिक्सल्स करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए 15 पिक्सल की बॉर्डर दिखाई देगी। ओके, तो इमेज को भी हम लोग ने स्टाइल कर लिया। अगर आप चाहते हो पैराग्राफ को ये भी एक बैकग्राउंड अप्लाई हो, तो यहाँ पर सिंपली लिखना है पी टैग जो आपके HTML में है, देखिए यहाँ पर पी है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है पी टैग, और यहाँ पर क्या आएगा, मैंने क्या कहा टेक्स्ट कलर, तो मैं लिख रहा हूँ सिंपली कलर, और ये बन जाना चाहिए क्या ग्रीन। और ये सेमी कोलन भूलना नहीं है हमेशा,
हमेशा सेमी कोलन लगाना है इस वैल्यू के बाद में, और इस प्रॉपर्टी के बाद में आपको कोलन लगाना है, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, तो मैं सेव करता हूँ। देखिए ये भी आपका ग्रीन बन जाएगा। अब ये देखिए रीड मोर लिंक है, इसको भी हम लोग बना सकते हैं सीएसएस में। तो देखिए मेरे पास ए टैग है, ये लिंक का मतलब क्या है, हमारे पास एंकर टैग है मतलब ए टैग है। तो सिंपली सीएसएस में आपको लिखना है ए कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं चाहता हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो, तो मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर, चलिए यहाँ पर कुछ दूसरा कलर डाल देते हैं, मान लो ये हॉट पिंक। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पर उसको हॉट पिंक वाला जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली कुछ इस तरह हम हमारा जो HTML होता है उसको हम स्टाइल करते हैं CSS के जरिए। तो कुछ इस तरह हम करते हैं। इसमें और कई सारी चीजें हैं और डिटेल में हम लोग आगे जाने वाले हैं, तो ये बेसिक सा आइडिया मैंने देने के लिए आपको यहाँ पर दिखाया है। ओके, इतना तो समझ में आ गया कि HTML को हम CSS कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ तरीके होते हैं देखिए यहाँ पर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए देर आर वेज ऑफ इंसर्टिंग ए CSS स्टाइल। तो तीन तरीके होते हैं स्टाइल इंसर्ट करने के, और देखिए कुछ नोट भी लिखा है यहाँ पर। एन इनलाइन स्टाइल हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड ब्राउजर डिफॉल्ट्स। अभी देखिए ये मैं समझाता हूँ बाद में, पहले तो आपको पता है ब्राउजर डिफॉल्ट मतलब क्या है। जब भी आपने, अगर मान लो ये आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, आपने CSS अप्लाई नहीं की हुई है, तो देखिए जो भी चीज लग रही है ये सीधा ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल लगती है। ये आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने HTML के वीडियोस में ये कवर किया हुआ है, राइट। तो वो सिंपली कह क्या रहा है, यहाँ पर बोल क्या रहा है, अगर इनलाइन स्टाइल हैज हाईएस्ट प्रॉपर्टी एंड विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड ब्राउजर डिफॉल्ट। अभी ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें क्या है अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप HTML डालते हो तो ये आपको ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल देता है। ठीक है, इसको मैं फिर से रख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये स्टाइल निकाल लेता हूँ। अभी मुझे ये फिलहाल मैं इस फाइल में ऐसे ही रख रहा हूँ, लेकिन ये फाइल यहाँ से मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, एक काम करते इसको निकाल ही देते, ओके, कन्फ्यूजन ही नहीं चाहिए। तो मैंने सेव कर लिया। अब देखिए सिंपल प्लेन HTML दिख रहा है आपको, और कहीं पर भी CSS अप्लाई की नहीं है। हालांकि इसके अंदर CSS अवेलेबल है, बट हम लोगों ने यहाँ से फाइल निकाल दिया, इस वजह से वो अप्लाई नहीं होगी। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, देर आर वेज ऑफ इंसर्टिंग ए CSS स्टाइल। तो पहला जो वे है वो हम लोग देखेंगे, इनलाइन स्टाइल का मतलब क्या है। तीन प्रकार की स्टाइल्स होते हैं देखिए CSS के अंदर। पहला प्रकार जो है उसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल। आप कुछ इस तरह स्टाइल दे सकते हो इनलाइन की तरह। दूसरा जो होता है वो इंटरनल स्टाइल दे सकते हो। तीसरा जो होता है वो एक्सटर्नल स्टाइल दे सकते हो। अब इन सबका मतलब क्या है वो सीधे प्रैक्टिकल में देखते हैं। अब इनलाइन पहला देखेंगे, तो इनलाइन का मतलब यहाँ पर देखिए, आपने वापस फिर एक बार मुझसे कहा कि मुझे H1 को एक टेक्स्ट कलर लगाना है और एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, लेकिन इनलाइन स्टाइल के तरीके से। तो आपको करना क्या है, देखिए सीधा इसके ओपनिंग टैग में जाना है। देखिए अब मैंने आपको एट्रीब्यूट भी सिखाया है, एट्रीब्यूट क्या होता है HTML के अंदर, तो वो यहाँ पर काम आएगा। देखिए तो स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट होता है और वो यूज होता है इनलाइन स्टाइल अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा STYLE स्टाइल एट्रीब्यूट, और आपको पता है एट्रीब्यूट कैसे देते हैं, इक्वल टू दो कोट्स के अंदर, और जो भी CSS देखिए यहाँ पर आपने लिखी थी उसके लिए कलर रेड और बैकग्राउंड कलर येलो, वो सेम CSS मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा। तो मैं बोलूंगा COLOR इज टू, देखिए कोलन भी मैं सेम दे रहा हूँ जैसे मुझे देना था पहले। यहाँ पर देखिए कोलन है, राइट, सेम देना है। ओके, और यहाँ पर जाके आगे लिख रहा हूँ मैं RED और सेमी कोलन। फिर मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने से देखिए फिर एक बार यहाँ पर उसको CSS अप्लाई हो जाती है। तो ये है हमारा पहला तरीका, यहाँ पर देखिए इनलाइन स्टाइल। तो इस तरह हम इनलाइन स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद देखिए मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो बैकग्राउंड हाइफिन कलर, और मैंने क्या बोला था यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो होना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं येलो दे रहा हूँ। सेव करता हूँ, और देखिए यहाँ पर ये येलो दिखाई देगा। ओके, तो इसी को कहा जाता है इनलाइन स्टाइल। जे इसका मतलब है जिस भी टैग के ऊपर
मान लो आपको सीएसएस अप्लाई करनी है, मुझे एच1 को करनी है, तो एच1 के टैग के ऊपर जाके सिंपली आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है और यहाँ पर सीएसएस की प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखनी है बस जैसे वो होती है। इसका मतलब है स्टाइल इन लाइन स्टाइल, ओके। और ये ओवरराइड करती है सभी प्रकार के स्टाइल्स पे, सभी प्रकार के मतलब यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल पे बोल रहा हूँ मैं। तो पहला तो हम लोग ने देखा इनलाइन, अब चलिए इंटरनल देखते हैं, ठीक है। ये वाला इंटरनल क्या है, तो एक काम करते हैं, ये तो हम लोग समझ गए, फिर से मैं इसको निकाल देता हूँ, ओके। अब हम लोग देखेंगे, सेव करता हूँ मैं, देखिए फिर से निकल गया। अब सेव करता हूँ और यहाँ पर हम लोग इंटरनल डालेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, इनलाइन स्टाइल क्या होता है, बॉडी के अंदर किसी भी टैग के ऊपर आप स्टाइल एट्रीब्यूट डाल के सीएसएस अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ही इनलाइन स्टाइल होता है। इंटरनल स्टाइल क्या होता है, इंटरनल स्टाइल देखिए, हमेशा आपको हेड वाला जो टैग है, टाइटल का टैग, यहाँ पर इसके अंदर आपको एक टैग डालना होता है STYLE नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर टैग का नाम देखिए, स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो हम लोग ने डाला था ये वाला जो है वो एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर जो हम लोग डाल रहे हैं वो वाला क्या है, एक स्टाइल का टैग है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, अब यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सेम आपने जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। देखिए H1 लिखना है आपको पहले, तो क्योंकि मुझे इस H1 को देना है, राइट, इस H1 को स्टाइल अप्लाई करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H1, दो कर्ली ब्रैकेट्स, सेम टू सेम वैसे ही। फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कलर, मुझे चाहिए रेड, सेमी कोलन, और नीचे मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है, राइट। अभी फिर से मैं सेव करूंगा तो देखिए फिर से इसको अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये जो तरीका है इस तरीके को कहते हैं इंटरनल स्टाइल, समझ में आ गया। तो ये होता है इंटरनल स्टाइल, चलिए तो ये भी हम लोग समझ गए, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल क्या है। अभी जो अभी हम लोग ने लिंक वाला टैग जो अप्लाई किया था, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, अभी यहाँ पर जो हम लोग ने लिंक टैग लिखा था ये वाला, ओके, तो बस इसी को कहते हैं एक्सटर्नल। अभी एक्सटर्नल का मतलब क्या है, देखिए वो पहले समझ लीजिए। आपके फोल्डर में ये वाली फाइल है css basics.css, और ये वाली फाइल जो है इस पेज के अंदर नहीं है, बाहर है, राइट, मतलब आपके फोल्डर में है। तो इस फोल्डर में वो फाइल है, तो वो फाइल मुझे अटैच करके सीएसएस अप्लाई करनी है, इसका मतलब ही हो जाता है क्या, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टाइल कहते हैं उसको। तो यहाँ पर फिर से देखिए, मैं फिर एक बार वो सेम पाथ लूंगा और सेम फाइल यहाँ पर देखिए सीएसएस लूंगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है लिंक का टैग। अभी लिंक टैग क्यों यूज करते, देखिए लिंक एलिमेंट अलाउज ऑथर्स टू लिंक देयर डॉक्यूमेंट टू अदर रिसोर्सेज, मतलब ये लिंक टैग क्यों यूज होता है, आपकी अगर फाइल जो है वो आपको आपके HTML के अंदर अटैच करनी है, या फिर कह सकते हो लिंक करनी है, इसीलिए ये वाला टैग यूज किया जाता है, ओके। तो अगर देखिए आप यहाँ पर मुझे CSS में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है REL नाम से, जैसे मैंने कहा देखिए द एट्रीब्यूट नेम इज रिलेशन, नेम्स ए रिलेशनशिप, मतलब इसका रिलेशनशिप क्या है वो डिफाइन करता है यहाँ पर, ऑफ द लिंक्ड डॉक्यूमेंट टू द करंट डॉक्यूमेंट, ओके। मतलब हम लोग क्या लगा रहे हैं इससे ये रिलेट करता है, मतलब इसका रिलेशन क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। तो CSS क्या होती है, एक स्टाइल शीट होती है, राइट। तो इसीलिए लिखा जाता है हमेशा REL इक्वल टू, उसकी वैल्यू जो हमेशा होने वाली है वो है एक स्टाइल शीट, ठीक है। इसके बाद HREF, HREF तो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, पता है, क्योंकि वो एक URL स्पेसिफाई करता है, इसको हम लोग एंकर में भी देखा हुआ है इसको, राइट। तो हमें यहाँ पर भी वो यूज कर सकते हैं फाइल लिंक करने के लिए। तो सिंपली मैं करूंगा क्या, HREF लिखूंगा, और सेम जैसे अभी अभी मैंने बताया हम लोग पाथ कैसे देते हैं उसको, तो सिंपली आपको पाथ देनी है, और इतना सब करने के बाद आपकी जो फाइल है वो लिंक हो जाती है, और सक्सेसफुली आप जो भी इस फाइल में लिखोगे वो सारी चीज इस पेज पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह बनता है, बनती है हमारी ये एक्सटर्नल स्टाइल, ओके। तो इसी को कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल, मतलब आप किसी अलग फाइल में जाके अपना CSS लिख रहे हो, ठीक है। तो अभी देखिए फिर से मैंने इसको अटैच कर लिया, सेव कर लिया। अब देखिए सभी CSS मतलब यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि CSS में हम लोगों ने सभी लोगों को CSS अप्लाई दे के रखी है। तो अभी आपको समझ में आ गया, अभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो ये तीन
प्रकार की स्टाइल्स होती है जो हमेशा हम यूज करते हैं, हमेशा यूज नहीं करते लेकिन मोस्ट ऑफ जो यूज होने वाली जो यूज होने वाला जो वे है ये थर्ड वाला है। देखिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी प्रोफेशनल्स भी जब साइट बनाते हैं वेबसाइट बनाते हैं तो हमेशा इसी प्रकार का यूज करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि आप एक ही फाइल यहाँ पर लगा सकते हो, आप दो फाइल्स भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। वो हम लोग लास्ट वीडियो में और कई सारी चीजें हैं स्पेसिफिसिटी करके, तो वहां पे हम लोग और डिटेल में उसका बात करेंगे। यहाँ पर आपको मुझे कंफ्यूज करना नहीं है, सिंपली इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सिंपली आप CSS की फाइल अटैच कर सकते हो और कई सारी चीजें अटैच कर सकते हो, ऐसा नहीं कि CSS ही है। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तीन चीज है यहाँ पर, वो तो हम लोग सीख गए। अब ये बोलता है कि भैया एन इनलाइन स्टाइल हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल्स एंड ब्राउजर डिफॉल्ट्स। तो देखिए फिर से, तो मैं फिर से इन सभी को सारी चीजें निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ। अब देखिए फिर एक बार यहाँ पर ब्राउजर डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई हो रही है, करेक्ट। तो अब इसका कहना क्या है, देखिए अगर मैं इनलाइन स्टाइल अप्लाई करता हूँ H1 पे, मैं बोलता हूँ फिर से फिर एक बार कलर इसका जो है वो रेड करिए और फिर एक बार बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दीजिए। मैंने सेव कर लिया। अब देखिए हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। तो ये इनलाइन स्टाइल मैंने अप्लाई कर ली। तो अब ये इसका कहने का क्या मतलब है, मैं थोड़ी देर में थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं एक इंटरनल स्टाइल लिखता हूँ सेम H1 के लिए ही, ठीक है। तो मैंने H1 के लिए लिख रहा हूँ फिर से अगेन, मैं उसको यहाँ पर फिर से कलर दे रहा हूँ, लेकिन इस बार जो है वो कलर मैं कुछ अलग दे रहा हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर लगना चाहिए, टेक्स्ट कलर की बात कर रहा हूँ मैं, और बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर ऑरेंज लगना चाहिए, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सेव कर लिया। लेकिन यहाँ पर ब्राउजर में देखिए अभी भी रेड कलर और येलो कलर ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पर जो है रेड और येलो, ब्लू और ऑरेंज नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं। अब फिर से यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ और H1 में फिर से एक बार कलर लिखता हूँ और यहाँ पर चलिए हॉट पिंक डालते हैं। हॉट पिंक मुझे टेक्स्ट कलर चाहिए और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड जो है कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो लॉ ग्रीन या लॉन ग्रीन समथिंग कुछ है यहाँ पर, देखिए लॉन ग्रीन डाल देते हैं, ठीक है। मैंने सेव कर लिया। तो देखिए अभी भी यही चीज लग रही है। तो यही सिंपल सी बात कह रहा है यहाँ पर कि इनलाइन स्टाइल जो होती है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर आपने किसी एलिमेंट के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई की है और वो सेम स्टाइल आपने यहाँ पर भी अप्लाई की है और यहाँ पर भी अप्लाई की है, तो वो पहला प्रेफरेंस किसको देगा, इनलाइन स्टाइल को। तो ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए, या आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी निकाल देता हूँ स्टाइल, तो ये किसकी स्टाइल अप्लाई करेगा, देखिए मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब ये स्टाइल इंटरनल जो है उसकी अप्लाई करेगा, तो आपको बैकग्राउंड ऑरेंज और ब्लू दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ऑरेंज आ रहा है और ब्लू आ रहा है, अभी बात समझ में आ रही है। अगर आपने इनलाइन स्टाइल नहीं दी है लेकिन इंटरनल दी है और ये वाले एक्सटर्नल दी है, तो इंटरनल अप्लाई करेगा, ठीक है। और सिंपली इसको अगर निकाल दोगे तो सिंपली यही अप्लाई करने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड लॉन ग्रीन और हॉट पिंक है, तो ये देखिए लॉन ग्रीन और हॉट पिंक। ओके गाइस, तो यही सिंपल सा बेसिक है और ये बेसिक हमेशा पता होना चाहिए जब भी आप वेबसाइट्स बना रहे हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए कमेंट्स है, CSS कमेंट्स। कमेंट्स भी सिंपली आपको पता है क्यों यूज होते हैं, तो CSS में सिर्फ उसका सिंटैक्स जो है वो अलग है। यहाँ पर देखिए हमें अगर कमेंट करके कुछ रखना है, मैं एक काम करता हूँ Ctrl Z करता हूँ, जो पहले था वही सब रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ देखिए फिर से एक बार ये सब लगेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, राइट। सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल CSS में बोलता हूँ कि ये जो इमेज है इसकी बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए 2 मिनट के लिए, मैं सोच रहा हूँ बाद में अप्लाई करने का। तो सिंपली यहाँ पर देखिए इन तीनों को सिलेक्ट करना है, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है CSS का, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और Ctrl/ आपके कीबोर्ड पे प्रेस करना है। जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए उसकी स्टाइल निकल जाएगी, मतलब ही ये कमेंट लग चुका है यहाँ पर। तो CSS में अगर आपको कमेंट देना है तो सिंपली पहला देखिए यहाँ पर शुरू में जहाँ से आपको जहाँ तक देना है तो वैसे आपको लिखना है। देखिए अगर स्टार्टिंग का कैसा होता है, पहले स्लैश होता है फिर स्टार अप्लाई करना है,
मतलब स्लैश और स्टार लगाना है, और एंड में पहले स्टार और बाद में स्लैश लगाना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये सिंपली CSS में कमेंट करने के लिए कुछ सिंटैक्स इस तरह होता है। इतना समझ में आ गया? तो ये कमेंट क्या है? इग्नोर्ड बाय ब्राउजर्स, ये हमें ऑलरेडी पता है। हमें सिर्फ फर्क इतना है कि HTML की जो कमेंट है वो अलग होती है कुछ, और CSS में अगर कमेंट करना है तो आपको कुछ इस तरह कमेंट करनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया? चलिए, कमेंट्स भी हम लोग सीख गए। अब देखिए, और एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कलर्स यूज हो रहे हैं, जैसे रेड मैंने यूज किया, येलो किया, ऑरेंज किया, ग्रीन और यहाँ पर किया हॉट पिंक। तो इसके अलावा और भी कई टाइप्स के कलर्स होते हैं CSS के अंदर, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर CSS कलर वैल्यूज। तो CSS कलर, देखिए, कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम्स लाइक ऑरेंज, टोमेटो, वॉयलेट एक्सेट्रा, जो अभी हम लोग ने यूज किया। देखिए, ऑरेंज तो हम लोग ने यूज किया था, तो आप यूज कर सकते हो टोमेटो, वॉयलेट वगैरह सारी चीजें। और ये सारी लिस्ट अगर चाहिए तो आप गूगल सर्च करके भी ले सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, कलर वैल्यूज डालनी है इन CSS। तो फिलहाल यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आपको, देखिए। तो इनके अलावा, ऑरेंज, टोमेटो, वायलेट नेम्स के अलावा, यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स के कलर्स भी हम डाल सकते हैं और कुछ अलग चीजें करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ अलग टाइप है। यहाँ पर एक RGB करके कुछ है। RGB क्या करता है, देखिए, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आई थिंक ये ब्लू है या सियान है, मे बी सियान हो सकता है, वो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे कुछ ऐसा डाउट आता है तो हम लोग यहाँ पर सीधा सर्च करेंगे RGB का मतलब क्या है। तो RGB देखिए कलर मॉडल है, RGB कलर, और इस वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे सीधा और यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि RGB का मतलब क्या है। तो देखिए, ब्लू ही है। ठीक है, तो RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू ही होता है। ठीक है, तो सिंपली अभी इसमें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको कि भैया मुझे RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो वैल्यूज है ये हमें बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ अलग टाइप्स के वैल्यूज है और कैसे यूज होते हैं सिंपली वो हमें जानना है इस वीडियो में। तो अभी तक मैंने क्या दिखाया था आपको, येलो, ऑरेंज वगैरह। तो मान लो कि आपका जो ये हेडिंग है, ठीक है, ये वाला हेडिंग, ओके, तो ये हेडिंग के अंदर मैं बोलता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, राइट। ये जो येलो है तो मुझे थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी दिखना चाहिए। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट अगर आती है तो आपको ये वाला कलर यूज करना है, RGBA। ठीक है, आप RGB भी यूज कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको येलो कलर ही चाहिए लेकिन मुझे RGB में चाहिए, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। देखिए, सिंपली RGB कलर पिकर डालना है, ओके। तो ये अगर डालोगे तो गूगल आपको खुद से कलर पिकर दे देगा, और देखिए वो बोल देगा कि भैया जो येलो है वो कुछ आपको इस तरह मिल जाएगा। तो सिंपली ये वैल्यू है, ये सिंपली कॉपी करनी है, या फिर आपको, सॉरी, येलो वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर RGB येलो लिखते हैं, ओके। तो परफेक्ट येलो कलर मिलेगा, देखिए, RGB येलो कलर पिकर। और ये गूगल का अभी नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन दूसरे भी अवेलेबल है। तो मैं किसी भी एक रैंडम वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर सिंपली देखिए कलर कोड चार्ट। अब कलर कोड चार्ट के अंदर मुझे येलो चाहिए, देखिए यहाँ पर ये येलो मिल जाता है। तो 255, 255 और 0 अगर आप करोगे तो ये आपको येलो दे देगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो यहाँ पर मैं फिर से सर्च कर सकता हूँ येलो और RGB वैल्यू कर सकता हूँ। देखिए, येलो RGB वैल्यू, तो उसकी जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर मिल जाएगी 255, 255, 0। तो ऐसे भी आप चीजें कर सकते हो, सर्च कर सकते हो गूगल पे अगर आपको डाउट है। आई नो कि ये सारी चीजें हम लोग बाय हार्ट नहीं कर सकते, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे भी नहीं, हम लोग कोई भी, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन सभी को आप कलर कोड पूछेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कलर्स चाहिए तो सिंपली जाके सर्च करना है और आपको कलर ऑटोमेटिकली इजीली, बड़े इजीली मिल जाएगा। तो येलो कलर की जो RGB वैल्यू है वो ये है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और मैंने क्या कहा कि जो ये येलो है, ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड तो मुझे RGB में अप्लाई करना है। तो मैं काम करता हूँ, 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देता हूँ, आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ मैं। फिर से मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कलर जो है उसका वो रेड ही रखते हैं, और जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है,
उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं क्या सिंपली लिखूंगा, आर जी बी लिख रहा हूँ मैं, और दो पैरेंथेसिस डालनी है। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया है कहाँ पर गया वो, ये तो कुछ इस तरह लिखना है, लेकिन वैल्यूज हमारी डालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे मैं सेव करूंगा, देखिए आपको यहाँ पर फिर भी वैल्यू दिखाई देगी। देखिए मैं एक बार और दिखाता हूँ इसको, कंट्रोल एक्स करके कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी नहीं लग रहा है। अब जैसे मैं डालूंगा, सेव करता हूँ, तो देखिए वापस यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप लगा सकते हो RGB वैल्यू। इसके बाद और एक चीज, अगर मैंने क्या बात की थी, ये ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो सिंपली मुझे येलो चाहिए था RGB वैल्यू में। यहाँ पर देखिए येलो में हम लोग ने येलो डाला था, यहाँ पर मुझे RGB में चाहिए। और मैं अब कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए देखिए मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जाके और एक यहाँ पर बड़ा कॉमा देना है, और आपको ट्रांसपेरेंसी देखिए 0 से लेके 10 9 9 तक कर सकते हो, 10 तक कर सकते हो। 10 मतलब यहाँ पर देखिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर मैंने मान लो 0.5 कर लिया और मैंने सेव किया, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना। मान लो आपने 9 कर दिया, 0.9, तो देखिए थोड़ा डार्क हो गया। अगर मैं 0.1 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो ये काम करता है ट्रांसपेरेंसी। तो और ये चौथा वाला जो है यहाँ पर, ये आपको ट्रांसपेरेंसी करने का काम करके देता है, मतलब ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है। तो आपको यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक आप दे सकते हो। अगर फुल कलर रखना है तो सिंपली 1 रखना है, ओके। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, तो मुझे फुल कलर जैसा है वैसा ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा। लेकिन यहाँ पर एक काम मैं भूल गया, देखिए क्रोम हम अगर गलती करते हैं फिर भी दिखाता नहीं है, यहाँ पर हमेशा ए लिखना है। तो इसका नाम क्या है, ये हम लोग जो नंबर चेंज कर रहे हैं उसका मतलब ही होता है अल्फा। देखिए मैं सेव करता हूँ, और अभी भी देखिए काम करेगा, क्योंकि वो सही क्रोम है। क्रोम हमें, हम लोग अगर गलती भी करते, तो क्रोम ऐसा ब्राउजर है वो बढ़िया तरीके से आपको आउटपुट निकाल के देता है। एक्चुअली देखिए कभी भी आपको अगर अल्फा लगाना है, जो मैं अभी बता रहा था आपको 0.1 से लेके 9 या फिर 1, तो ये आप लिखोगे, ये नंबर होता है अल्फा के लिए जो ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करता है। तो वो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमेशा आपको देखिए RGB A लिखना है। यहाँ पर देखिए मैंने RGB लिखा था पहले, और 3 ही वैल्यूज है यहाँ पर, जो येलो की वैल्यू है RGB वैल्यू, लेकिन यहाँ पर भी येलो की ही वैल्यू है RGB वैल्यू 3, ये 255 255 0। और लेकिन अल्फा मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंसी देनी थी यहाँ पर, तो कॉमा डाल के ट्रांसपेरेंसी वाला नंबर देना है, और यहाँ पर लेकिन ए डालना जरूरी है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने देखिए फिर एक बार इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, 0.5 रखता हूँ, सेव करता हूँ 0.5, और देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो बस यही है RGBA, ठीक है। तो RGB हम लोग समझ गए क्या है, देखिए यहाँ पर फिर एक बार जाते हैं इंट्रोडक्शन में। RGB समझ गए क्या है, ये सिंपली कुछ नहीं है, जो येलो की वैल्यू है वो हम लोग RGB में, RGB के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ये जो है हम लोग RGB के फॉर्मेट में ही लिख रहे हैं, लेकिन एक अल्फा यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, देखिए ए, और यहाँ पर देखिए अल्फा, और एक वैल्यू आती है हेक्सा डेसिमल करके। तो यहाँ पर हेक्सा डेसिमल के लिए यहाँ पर फिर से मैं HEX डालूंगा। देखिए ऑलरेडी मुझे लगता है यहाँ पर दी होंगी उसने, हाँ ये देखिए हेक्सा कोड, हेक्स कोड, HEX कोड, ओके। तो येलो जो है यहाँ पर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे हेक्सा वैल्यू अगर चाहिए येलो की, तो वो भी मुझे मिल सकती है। सिंपली आपको सर्च करना है येलो HEX वैल्यू, ठीक है। HEX का मतलब हेक्सा डेसिमल। तो ये अलग अलग टाइप्स है कलर की, कलर वैल्यूज की, ओके। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो फिर से इसको मैं अब डालूंगा क्या, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये फिर से मैं बंद कर देता हूँ, ये हमारा हो गया क्या, आपका RGBA अल्फा हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हेक्सा डेसिमल। तो फिर एक बार यहाँ पर मुझे कॉपी करना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसके बजाय मैं डालूंगा वो हेक्सा डेसिमल वैल्यू। सिंपली आपको हैश डालना है और आगे जो भी वैल्यू कोड है वो डाल देना है। तो यही सिंपल सा तरीका है CSS में अलग अलग टाइप्स कलर यूज करने का। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है, ये बेसिक पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो में सभी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। और भी कई चीज़ें हैं जैसे HSL, HSLA, पर ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप सर्च करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो उनकी वैल्यूज। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, येलो हेक्स नहीं है, येलो HSL वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो आपको HSL वाली वैल्यूज दे देगा। सिंपली इतना इजी है, और कुछ यहाँ पर ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है।
ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिए, मुझे पता है ये हमें हम ये बायआउट नहीं कर सकते, तो ये आपको कुछ इसी तरह करना है, ये मुझे भी बायआउट नहीं है और किसी को भी बायआउट नहीं हो सकते, तो ये सिंपली आपको गूगल सर्च ही करना पड़ेगा जो भी कलर आपको वैल्यूज चाहिए, ठीक है, या फिर अगर आपने फोटोशॉप किया है तो फोटोशॉप में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है और उसको कैसे ग्रैब करना है उस वैल्यू को। ओके गाइज, तो ये थे कलर वैल्यूज अलग अलग टाइप में, एक है RGB, दूसरा है RGBA और तीसरा जो है हेक्साडेसिमल, और तीनों टाइप्स की वैल्यूज आप पूरे CSS में अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए और एक चीज, अभी जैसे ये बैकग्राउंड कलर पे जो वैल्यू जा रही है तो ये कलर पे भी वो वैल्यू जा सकती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है किसी बैकग्राउंड पे यूज करनी है, सिर्फ इतना समझना है कि CSS में तीन टाइप्स की वैल्यू ज्यादा करके यूज होती है। ओके, और ये सबसे ज्यादा यूज होती है HEX जो है हेक्साडेसिमल। ओके गाइस, तो बस मुझे यही सारी बेसिक चीजें आपको बतानी थी, इसीलिए आई थिंक ये मेरा वीडियो भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक छोटी छोटी चीजें भी आपको यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि ये CSS बेसिक्स बेसिक वाला वीडियो है और यहाँ पर सारी CSS की जो बेसिक्स है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आई होप गाइज आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। देखिए हमने यहाँ पर 6 चीजें पढ़ी, CSS कलर वैल्यूज, कमेंट्स पढ़े हम लोगों ने, 3 वेज देखे CSS के, सिंटैक्स देखा CSS का, हम लोगों ने समझा CSS और CSS3 क्या है और CSS क्या है। ओके, और अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये भी बेसिक ही होने वाला है लेकिन ये और डिटेल में हम लोग जाएंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में, और देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिख के रखी है वो डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप गाइज आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है और इस वीडियो में CSS का बेसिक्स जो है आपको समझ में आ गया है। ओके गाइज, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।